नोएडा में बस में लगी भीषण आग, तो सेक्टर 49 में बरोला गांव में बस में ये आग लगी है। बीच सड़क पर बस में लगी भीषण आग, तो वक्त रहते सभी यात्री बस से उतार लिए गए। हादसे में कोई हताहत नहीं है, तो राहत की बात यहां पर यह कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। नोएडा से ग्रेटर नोएडा जा रही थी ये बस, जिसमें अचानक आग लग गई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से बीच रास्ते में ये बस में आग लग जाती है। हालांकि गनीमत यहां पर ये रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो बीच सड़क पर किस तरह से भीषण आग इस बस में लगी है। यात्री भी इस बस में सवार थे, लेकिन वक्त रहते ही इन यात्रियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तो कोई हताहत इस हादसे में नहीं हुआ है। सेक्टर 49 में बरोला गांव में ये घटना घटी, जहां पर चलती बस में अचानक आग लग गई, लेकिन वक्त रहते ही इसकी सूचना मिलने के साथ बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव R9 टीवी के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं किस तरह का मंजर वहां पर रहा होगा। जैसे ही इस घटना का पता लगा, तो वहां जो लोग मौजूद थे उनमें हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो नोएडा में चलती बस में ये आग लगी है, बीच रास्ते में ही ये आग लगी, जिसकी सूचना मिलते ही यात्रियों को उतार लिया गया।